चलो सभी गांव वालों को एक स्थान पर बुलाना है, शीघ्र ही शीघ्र, नहीं तो वो सो जाएंगे। मुझे नहीं लगता ये योजना सफल होगी। वही तो मैं कह रहा था, इतनी ठंड है बाहर, ऐसे में पूरी रात्रि गांव वाले जागेंगे। भूल जाओ, सब भाग जाएंगे और सो जाएंगे। हम तो बच्चे हैं, हम बच्चों की कौन सुनेगा, और कोई सहायता करने वाला भी नहीं है। लो आ गई सहायता। आपका तात्पर्य क्या है भक्ति माई? महाराज रत्नाकर ने सैनिक भेजे हैं, जो हम सबके लिए एक पंडाल खड़ा करेंगे और हम सब वहाँ मिलकर नव दुर्गा का पूजन करेंगे। अति उत्तम। लगता है समस्त गाँव वासियों को पंडाल की सूचना मिल गई। ये सब क्या है? यह पंडाल महाराज रत्नाकर जी ने हम सबके लिए लगवाया, ताकि हम सब साथ में मिलकर माँ नव दुर्गा का पूजन कर सके। इस पूजन का शुभारंभ आज रात्रि ही होगा, जब त्रिकुटा हम समस्त गाँव वासियों को माँ नव दुर्गा की कथा सुनाएगी। आइए आप सब भी अपना स्थान ग्रहण कीजिए, पूजन का शुभारंभ होने ही वाला है। मति भ्रष्ट हो गई है तुम लोगों की। अरे सुबह का पहर पूजा पाठ का होता है, रात्रि का पहर तो भूतों और पिशाचों का होता है। रात्रि का समय भूत पिशाचों का होता है। अब तो रात हो गई, हमारे उपद्रव और शक्ति प्रदर्शन का समय आरंभ होता है। अब भोले वाले गाँव वासियों, अपने अपने घर को लौट जाओ, शीघ्र सो जाओ, आज रात वीरान करूंगा तुम्हारा गाँव। ले जाऊंगा तुम सभी को तलातल, तलातल आतुर है तुम सभी का स्वाद चखने को। अरे टुकुर टुकुर मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? अब जाओ और सब लोग अपने अपने घर पे विश्राम करो, रात्रि में पूजा पाठ नहीं होगी। इस अंधकार में, ठंड में कोई पूजा अर्चना करता है भला? भगवान को भी ठंड लग रही होगी, तुम लोगों को समझ में आती है बात? पंडित जी, माता की पूजा का कोई पहर नहीं होता, बस जब मन में आ जाए और हृदय से पुकार आए तो समझ लेना चाहिए कि माता का बुलावा आ गया है। ओ, अच्छा, मतलब एक ज्ञानी पंडित को तुम तुम सिखाओगी कि पूजा पाठ क्या होता है? हाँ, नहीं तो रे, एक बात सुन लो, जब कोई महान पंडित ज्ञान की दो चार बातें बताए ना, तो उसे शांति से, ध्यान से सुन लेना चाहिए भक्ति, नहीं तो उसका परिणाम तुमसे अधिक कौन जानता है भक्ति। अब तुम तीनों यहां क्या कर रहे हो? इन मूर्खाधिराजों के साथ जब देखो लगे रहते हो, लगे रहते हो। चलो चलो अपने घर जाओ, चलो 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 भागो। अरे सुनिए तो, रुकिए तो। क्या सुनिए? कोई नहीं रुकेगा। हाँ चलो चलो चलो। यदि तुम गाँव वासियों को सोने नहीं देना चाहती तो कुछ करो। हे
शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सुनो सुनो सब भक्त जनों, में तुम्हें बुलाने आई हूँ। नव दुर्गा की कथा निराली तुम्हें सुनाने आई हूँ। मिलके सब जयकार करेंगे, मिलके दीप जलाएंगे, सारी रात खुशी से हम सब माता के गुण गाएंगे, सारी रात खुशी से हम सब माता के गुण गाएंगे। कितनी मधुर वाणी है तुम्हारी पुत्री। तुम्हारे स्वर में देवी का मंत्र सुनकर हम सब यहाँ खींचे चले आए। तुम्हारे कंठ में तो साक्षात माता सरस्वती का वास है। यहाँ आए आप सबको यहाँ देखकर बड़ा हर्ष हुआ। इस संसार में आस्था से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। उचित कहा, आस्था से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तो चलिए देवी माँ की कथा आरम्भ करते हैं। बोलो अम्बे माता की जय। माँ दुर्गा के नौ रूप हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीं यशस्विनीं। ये त्रिकुट पर्वत की साधारण बालिका संस्कृत इतने सरलता से कैसे बोलती है? कुछ तो है इसमें। तनिक मैं भी तो देखूं कि दुर्गा माँ के बारे में इसे कितना ज्ञान है। अगर कहीं त्रुटि हुई ना तो इसे छोड़ूंगा नहीं मैं। शैलपुत्री का है। माँ शैलपुत्री को सती, भवानी, पार्वती और हेमावती के नाम से भी बुलाया जाता है। ये प्रकृति माँ का स्वरूप है और भगवान शिव की पत्नी है। गणेश और कार्तिकेय की माता। पूर्व जन्म में इनका नाम था सती।